तो गाइस ये कुछ पिक्चर थी जो कि मैंने दुर्गा मेकअप लुक क्रिएट किया था, जो कि शौरांजलि फूड एंड ब्यूटी पे गया है मेरे दूसरे चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। तो बस यहाँ पे इवनिंग का टाइम था, ये कहीं बाहर गए थे वहाँ से आए हैं, तो ये बहुत दिन से कह रहे थे, जब मैंने केक बनाया था ना ये अप्पे मेकर में, तो तभी से कह रहे थे कब बनाओगे कब बनाओगे, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इनको सरप्राइज़ दे देती हूँ। तो मैंने केक बना दिया था और फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था, और साथ में चने इनको बहुत पसंद है तो चने बना दिए थे। और ये अभी रात की 11 बजे की क्लिप है, तो मेकअप मैंने शूट कर लिया था और सब सारे काम करने के बाद अभी मैं अपना डिनर करने जा रही हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर ना काम होता नहीं है, आलस आ जाता है, तो मैंने सोचा पहले मैं काम करती हूँ फिर खाना खाऊंगी। तो ये था मेरा डिनर, मैंने दाल बनाई हुई थी सिंपल सी। हेलो गाइस, गुड इवनिंग बोलूँगी आप सभी को, क्योंकि अभी रात के 11:15 बज रहे हैं। ये आप देख सकते हो, मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, 11:30 बजने ही वाले हैं और मैं करने जा रही हूँ। मैंने सोचा कि आपको टाइम दिखा देती हूँ, ये तो कुछ लोगों को झूठ लगता है, तो मैं भी अपना डिनर करने जा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत टेंशन थी। सुबह से मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज मुझे एक वीडियो शूट करना है मेकअप वाला। दुर्गा पूजा आने वाली है आप सभी को पता है, और पूरे कड़वे दिन निकल गए, मतलब जो पितृपक्ष होते हैं वो पूरे निकल गए, थोड़े दिन और बचे हैं, तो मुझे टेंशन हो रही थी। मेरा ब्लाउज मेरे पास नहीं था, वो थोड़ा सा ठीक होने के लिए डला हुआ था, तो बस वो आया, उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि फटाफट से खाना बनाना है और जल्दी से मुझे अपना वीडियो शूट करना है। तो मैं 8:30 बजे के समथिंग बैठ गई थी और अभी 11:30 बजने वाले, मैंने आपको दिखाया ना, तो अभी फ्री हुई हूँ मैं। मैंने मेकअप रिमूव कर लिया और बालों को मैंने कर्ल किया था, जो कि अभी खुल गए हैं, क्योंकि मेरे सिल्की साइनी वाल है ना, तो बहुत जल्दी खुल जाते हैं। अभी मेरे पास स्प्रे नहीं है, तो बहुत जल्दी स्प्रे मंगा लूंगी मैं, जैसे कहीं जाना है और आपको काफी लॉन्ग टाइम तक कर्ल रख रहे हैं अपने बालों को, तो उसके लिए स्प्रे चाहिए रहेगा मुझे। और अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ, तो मैंने बहुत सिंपल बनाया था, दाल बनाई है मिक्स वाली और रोटियां हैं, अचार है, अनियन कट कर लिया है, थोड़ा सा खीरा नहीं था, और थोड़ी सी पपड़ी वगैरह जो कल का सामान था ना वो रखा हुआ था, तो खाना के साथ में अच्छी लगती है बेसन पपड़ी खाना। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और थैंक यू सो मच, इन्होंने मेरा आज बहुत बहुत साथ दिया है। मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था आज, मतलब मेकअप मतलब मन तो था लेकिन लेट बहुत हो गई थी, मैं दिन में ही शूट करना चाहती थी, लेकिन वो बताया ना कि ब्लाउज नहीं था मेरे पास में, तो लेट हो गई। फिर मैंने सोचा कि आज अगर मैंने सोच लिया है तो काम पहले जरूरी है, खाना तो मैं बाद में खा लूंगी, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर आलस आने लगता है यार, फिर काम नहीं होता, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया था। इनको मैंने डिनर करवा दिया था 8:30 बजे ही, इनको डिनर करवाने के बाद तुरंत मैं अपने काम में लग गई थी। तो फाइनली मैंने बंगाली लुक जो है क्रिएट किया था, तो वो आपको मिलेगा शौरांजलि फूड एंड ब्यूटी पे, तो इस ब्लॉग से पहले वो डल गया होगा, तो आप लोग जरूर देख लेना, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बहुत ही अच्छा लग रहा था वो लुक, बहुत सिंपल सोबर है, कम से कम चीजों में और बहुत ही कम प्रोडक्ट में आप उसे कर भी सकते हैं, तो बहुत कम प्रोडक्ट में। और करवा चौथ मेकअप कैसे करें अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आप करवा चौथ मेकअप आपके साथ शेयर करूंगी। और चलिए अब मैं पहले अपना डिनर कर लेती हूँ, दाल गर्म करके लेके आई हूँ, ठंडी होने वाली है, एसी ऑन है ना, इसलिए चलो मैं कर लेती हूँ, और इस ब्लॉग को मैं कल मॉर्निंग में कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। कल थर्सडे है ना, आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे है गाइस, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं आप दिन नहीं बताती हो कुछ, और रेड कलर का नेल पेंट कितना प्यारा लग रहा है ना, तो मैंने न्यू मंगाया हुआ है, आप लोग बताना कलर कैसा है, बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी मैं इसके रिव्यू कैसा है नेल पेंट। चलिए मैं डिनर करती हूँ पहले अपना, मिलती हूँ मॉर्निंग में, बाय बाय, गुड नाइट। तो गाइस सुबह सुबह हमारी बगिया में देखो कितने प्यारे प्यारे फूल आए हुए हैं, तो मैं आपको वही दिखा रही थी, ये गेंदे के पेड़ में पहला फूल आया है गेंदे का, और ये पता है जो मैं भगवान जी की फूल माला वगैरह डाल देती थी ना, उसी से ये पौधा वो आया था, और उसके बाद इसमें फूल भी आने लग गए हैं, तो ये मैं आपको दिखा रही थी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी, तो सुबह की चाय पी रही हूँ मैं और थोड़ा सा लेट पी रही हूँ, अभी 9 बज रहे हैं, मैं उठ गई थी 7:30 बजे, तो दूध वाले भैया आए तो दूध लिया सबसे पहले, उसके बाद मुझे एक वीडियो एडिट करना था, जो कि वो वीडियो एडिट किया, वो ज़रूरी था इसलिए, तो अब वो आराम से एडिट कर लिया है मैंने, उसके बाद चाय बनाई है, इन्होंने नहा लिया क्योंकि ये जा रहे हैं कॉलेज तो अपने काम से, और मैंने सोचा कि चलो मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, फिर पता नहीं ये कब तक आएंगे, एक बार भूखे निकल गए ना, तो बस चाय पी लेते हैं,
और उसके बाद मैं पोहा बना रही हूँ आज नाश्ते में। तो मैं जल्दी जल्दी से अपने घर के सारे काम करूँगी पहले तो, क्योंकि लेट हो गई हूँ मैं। जिस दिन लेट हो जाती हूँ ना, फिर तो मुझे टेंशन होने लग जाती है काम की। काम पूरा फैला हुआ है तो पहले तसल्ली से चाय पी लूँ, फिर बॉडी काम करेगी अच्छे से। और मैंने चश्मा लगाया क्योंकि वीडियो एडिट कर रही थी, आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि ऑल टाइम स्क्रीन पर ही आँखें रहती हैं ना, तो आप समझ सकते हो ना, हैक्टिक जैसा होने लग जाता है फिर मुझे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एडिट करते टाइम पे तो मैं कम से कम यूज़ कर लूँ इसका। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना शॉपिंग हॉल, फैशन शॉपिंग हॉल जो कि मैंने किया है अमेजोन से। तो आई रियली होप कि आप सभी को मेरी शॉपिंग पसंद आएगी, और सच में आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, आप लोग बहुत तारीफ भी करते हो। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और माय हॉल स्टोर पर जाके क्लिक कीजिएगा तो मेरी सारी फेवरेट चीज़ें जो भी मैंने परचेज की हैं वो सब कुछ आपको माय हॉल स्टोर पर मिलेगा, ठीक है। तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आप जल्दी से जल्दी शॉपिंग भी कर पाएंगे। और हाँ, बहुत सारी चीज़ें आप ना ऐड कर लीजिए, क्योंकि 3rd अक्टूबर से अमेजोन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल स्टार्ट हो रही है। तो गाइस जल्दी जल्दी से आप लोग ऐड कर लीजिए और खूब सारी शॉपिंग कीजिए, क्योंकि फेस्टिवल आ गए हैं, जैसे कि नवरात्रि आ गए हैं, करवा चौथ, दिवाली। तो मेरी करवा चौथ की शॉपिंग जो है वो चल रही है, उसके बाद दिवाली की भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आइडियली होप आप सभी को भी पसंद आएगा, आप भी कुछ ना कुछ अपने लिए जरूर जरूर से जरूर बाय करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कि साड़ी मैं पहन के बैठी हूँ, और मैं लेयर लगा दूंगी साइड में। तो बहुत ही सुंदर लाइट वेट ये साड़ी है, और आप इसे ऐसा नहीं कि मतलब लाइट वेट है तो घर में ही पहने या आप मार्केट में पहने, आप इसे पार्टी में भी पहन सकते हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड लुक ये देगा आपको, और आप देख सकते हैं। और इस साड़ी पे आप हैवी ज्वेलरी वेयर कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी ये साड़ी। और आप देख सकते हैं मैंने कंट्रास्ट के साथ इसको पहना हुआ है, क्योंकि अभी इसका ब्लाउज स्टिच नहीं है, विद ब्लाउज है ये साड़ी। और बहुत ही सुंदर इसका कलर है, पीच कलर है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये रेशम के धागे का काम किया हुआ है, बीच में गोटे का काम किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं सिल्वर फॉइल टाइप कुछ है ये। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये साड़ी जो है मुझे रिसीव हुई है, बहुत ही अच्छी है। पल्लू पे इस तरीके से पॉम पॉम ये लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं पल्ले पे, पल्ला कुछ इस टाइप से है। तो वो आप सब कुछ लेयर में देख ही लेंगे। और ऐसा नहीं है कि इसकी लेंथ मतलब छोटी होगी, पूरी फुल लेंथ के साथ जो साड़ी की लेंथ होती है एक्चुअल में वही लेंथ के साथ ये साड़ी मुझे मिली है। बहुत सारी प्लेट्स मेरी बनी हुई हैं। तो ये है इसका ब्लाउज पीस, और इसे आप अपने बाजू में या फिर बैक साइड में कहीं भी इसे जब स्टिच करते टाइम पे आप करवा सकते हैं। तो ब्लाउज भी काफ़ी बड़ा है आप देख सकते हैं, और ये है ब्लाउज पीस इस साड़ी का। तो बताना आप लोग कैसी लगी। और वैसे मैं सच बताऊं, ये साड़ी मुझे कंट्रास्ट के साथ बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। आप लोग बताना क्या मैं इसको स्टिच करवाऊं या फिर कंट्रास्ट के साथ ही पहनूं। ये वैसे दूसरी साड़ी का ब्लाउज है, बट ये स्टिच नहीं था ना, इसलिए मैंने इस पर पहन लिया है। तो आप लोग बताना कैसा लगा। अभी नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सेकंड जो साड़ी मैंने मंगाई, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इसका कलर भी बहुत सुंदर है। मैंने करवा चौथ को ध्यान में रखते हुए इस साड़ी को लिया है, तो शायद मैं इस साड़ी को ही पहनूँ करवा चौथ पे। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर, और रेशम वर्क में ये साड़ी है, सिल्क जॉर्जेट इसका फैब्रिक है, और ये ऑरेंज एंड रेड कलर की है। इस पर आप मतलब ग्रीन, पिंक, ऑरेंज, रेड, मतलब कोई भी ब्लाउज पहन सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर साड़ी है, और इसको मैं आपको दिखाती हूँ। इसका ब्लाउज मुझे ऑरेंज कलर का मिला हुआ है, जो कि अभी मैंने निकाला नहीं है। और ये है कुछ इसका ब्लाउज, जिसपे डिजाइन भी बना हुआ है आप देख सकते हैं। तो इसे मैं अभी निकाल दूंगी, और साड़ी का फैब्रिक आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है, और इस पर काम बहुत फिनिशिंग से किया गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं इतना चौड़ा बॉर्डर आपको मिल जाएगा ये, और पूरे साड़ी में ये बूटियाँ बनेंगी हाफ में, जब आप प्लेट्स बनाएंगे तो ये पूरी बूटियाँ बनी हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर साड़ी है, और ये पूरे हाफ में आप देख सकते हैं, ये पूरा डिज़ाइन हाफ में आने वाला है जब आप प्लेट्स बनाएंगे उस टाइम पे। तो ये देख सकते हैं कितनी प्यारी साड़ी है, कलर भी बहुत सुंदर है, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, सिल्क जॉर्जेट फैब्रिक है इसका। और ये बूटियाँ तो पूरे में ही बनी हुई है, रेशम वर्क का काम किया हुआ है साड़ी में, और इसमें छोटे छोटे से ये पर्ल्स भी लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा काम है इसमें, रेशम के धागे का भी काम है, और यहाँ पे छोटा सा आपको मतलब ये बॉर्डर भी मिल जाता है। तो मुझे साड़ी बहुत अच्छी लगी, लेयर में आप पूरा इसका फुल लुक देख सकते हैं।
तो देखती हूँ कि करवा चौथ पे मैं इस साड़ी को पहन पाती हूँ कि नहीं पहन पाती हूँ। आप लोग बताना कि मैं पहनूँ क्या कमेंट करके। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। माय हॉल स्टोर पे जाके जरूर ले लीजिएगा। और मैंने अपने लिए मंगाई है बहुत ही सुंदर सी ये सैंडल, वो आप देख सकते हैं। ये ग्रे कलर की सैंडल है और बटरफ्लाई यहाँ पे फ्रंट पे बना हुआ है और हील्स भी आप देख सकते हैं। मुझे हील थोड़ी सी पसंद है तो मैंने हील में ही मंगाई हैं। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है। इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। मैंने ग्रे कलर पसंद किया था और इसमें साइज भी आपको मिल जाएंगे। मेरा 4UK है तो आपका 5UK या फिर और भी कुछ हो सकता है, तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग मंगा सकते हैं। तो ये मैंने अपने लिए सैंडल मंगाई जो कि मुझे बहुत पसंद आई। और अब बात करते हैं मेरे शूज की। तो आपने देखा ना कि विंटर्स अब बस थोड़ी ही दिनों में आने वाले हैं, तो मैंने अपने लिए शूज मंगाए जो कि बहुत ज्यादा लाइट वेट हैं और स्पार्स के मंगाए हैं। तो इसके बारे में तो आपको ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं मुझे। और ये जो मेरा साइज है इसमें मैंने अपना 5 नंबर मंगाया हुआ है 5UK। और बहुत ही सुंदर कलर इसका ग्रे एंड पिंक आप देख सकते हैं। और लाइट वेट तो इतने हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, लगेगा ही नहीं कि मतलब पैरों में कुछ पहना है। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी है क्योंकि मैंने पहन के देखा है। और रिव्यू जब मैं इनको डेली मैं पहनूंगी फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी तो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। इसके साथ मुझे एक बैग भी मिला था, कैरी बैग जो कि रखा हुआ है मेरे पास। तो ये है मेरे शूज और मैंने अपने लिए और मेरे हस्बैंड के लिए दोनों के लिए शॉपिंग की है। तो अब मैं आपको उनकी शॉपिंग दिखाती हूँ। चलिए, तो उन्होंने अपने लिए मंगाए हैं शूज जो कि है रेड चीप के। ये आप देख सकते हैं इस तरीके के बॉक्स में ये आए थे और बहुत अच्छी पैकेजिंग थी इसकी, बहुत अच्छी पैकेजिंग थी। इन्होंने शायद शॉर्ट वीडियो भी डाला है अपने चैनल पे, तो इनका चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, क्योंकि शॉर्ट वीडियो वहां पे डालते हैं। तो ये इस तरीके से मिले हुए आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर ब्लैक कलर, ब्लैक मतलब फॉर्मल शूज है। इसको आप ऑफिस वगैरह के लिए पहन सकते हैं। अगर आपको आपके हस्बैंड को भी इस तरीके के ब्लैक शूज बहुत पसंद है तो आप ले सकते हैं। और रेड चीप भी जाना माना ब्रांड है मतलब, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ भी उसका लगा हुआ है रेड चीप का और बहुत ही सुंदर है। और गाइस ये प्योर लेदर में है और इसके जो रिबन है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और अंदर से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी हैं ये शूज। हो गए इनके शूज, इन्होंने अपने लिए शूज मंगाए हैं। अगर आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं या फिर मुझे पता है इस तरीके के ब्लैक शूज बहुत अच्छे लगते हैं इनके ऊपर, तो बहुत इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए उन्होंने अपने लिए मंगाए हुए हैं। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ मंगाई उन्होंने अपने लिए और इसकी पैकेजिंग तो आप देखोगे ना, ओ माय गॉड इतनी ज़्यादा सुंदर है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। इन्होंने जब ओपन, पहले तो मुझे लगा कि मेरे लिए कुछ आया है क्या फिर इन्होंने बोला नहीं ये मेरा है। तो मैं आपको दिखाती इसकी पैकेजिंग ये किस टाइप का है। तो गाइस ये देखिए इसमें वुडन का बॉक्स मिलता है, इस तरीके से वुडन बॉक्स और बहुत ही सुंदर पैकेजिंग है। इस डब्बे को तो मैं यूज करूंगी किसी ना किसी के लिए कुछ रखने के लिए। तो ये देखिए, तो नेक टाई सेट इन्होंने अपने लिए मंगाया है। इसमें इनको मिलती है क्या कहते हैं टाई, ये आप देख सकते हैं रेड कलर की बहुत ही सुंदर। ये देखिए तो ये इनकी टाई मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर टाई है, बहुत ही शाइनी है इसका जो फैब्रिक है वो, और काफ़ी लॉन्ग भी है। तो गाइस इसमें एक तो ये टाई मिली हुई है और इसमें कप स्क्वायर मिला हुआ है, ये आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे अपने ब्लेजर वगैरह में लगाने के लिए। उसके बाद ये ब्रॉच मिली हुई है इसमें, और इसके बाद ये मिले हुए हैं। और गाइस ये कफ लिंक्स मिले हुए हैं इनको, ये दो रेड कलर के, तो पूरा मैचिंग का है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और बहुत ही सुंदर है ये सारी चीज़ें इसी बॉक्स में निकली हैं, तो ये जब लगाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी सारा कुछ। तो ये बॉक्स मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, तो ये आप लोग भी ले सकते हैं। इसमें पूरा का पूरा सेट है ये, और ये कुछ इस तरीके से है। तो ये थी मेरी कुछ छोटी मोटी सी शॉपिंग। आई रियली होप कि आप सभी को पसंद आई होगी और आप लोग भी ले सकते हैं। आपको जो कुछ भी पसंद आया है सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। माय हॉल स्टोर पे जाके क्लिक कीजिएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको एक ही जगह पे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए ब्लॉग को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो गाइस आई रियली होप कि आप सभी को मेरी शॉपिंग बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में बता देना। यहाँ पर मैं पोहा बना रही हूँ नाश्ते में, तो थोड़ा सा मैंने सरसों के दाने डाले, थोड़ा सा जीरा प्याज हरी मिर्ची डाल दी है, प्याज भुन गई। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़े से करी पत्ते, और उसके बाद करी पत्तों को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद मैं आलू डाल दूंगी, आलू डाल के बहुत अच्छे लगते हैं पोहा हो पुलाव हो।
आलू अच्छे लगते हैं। तो आलू पकने के बाद मैंने इसमें टमाटर और ये मूंगफली के दाने डाल दिए थे, इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया था सिर्फ और सिर्फ, और इसमें पोहा ऐड कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा नींबू, थोड़ी सी चीनी और बस ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ऊपर से सेब डाल दिए हैं। तो ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट तैयार है। पोहा बहुत लाइट वेट होता है, बहुत अच्छा भी लगता है, कभी कभी बनाती हूँ मैं। और ये जा रहे हैं अपने काम से, तो बस मैंने सोचा कि चलो शूट कर लेती हूँ, आप सभी को बाय बोल रहे हैं। तो बस मैंने घर के सारे काम किए जल्दी जल्दी, और थोड़ी देर के बाद मधु आ गई थी और मैं करवा रही हूँ यहाँ पे हाथों का वैक्स। तो मधु और लवली दोनों आए हुए थे, और हम लोग इस वाले रूम में इसलिए आ गए हैं, पहले एसी वाले रूम में बैठे थे क्योंकि लाइट चली गई थी, लाइट को भी मतलब ऐसे टाइम पे ही जाती है, लाइट चली गई थी तो फिर हमको इस वाले रूम में आना पड़ा था इन्वर्टर के कारण। गुड आफ्टरनून, तो अभी मैं बैठी हूँ अपने ऑफिस में और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ना अपनी मौसी के लिए क्या मंगाया हुआ है अमेजोन से। तो ये देखिए, ये मैंने उनके लिए कुछ मंगाया है तो आपको बता देती हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले मधु आई थी तो मैंने वैक्स करवाई हुई है अपने हाथों की और पैरों की, तो अच्छे से वैक्स करवा ली है। आपको ये छोटी सी क्लिप दिखाई हुई थी मैंने, तो मैंने उसको बहुत दिन पहले बोला था, तो आज वो फाइनली आई थी, बैग्स बना गई है और मेरे अपर लिप्स भी मैंने बनवाए हैं क्योंकि उस दिन नहीं बनवाए थे ना इसलिए। तो फिर से मैंने जो है ना कपड़े चेंज किए और वो बैग्स करवाने के लिए मैंने दूसरे कपड़े पहने हुए थे, तो अभी कपड़े चेंज किए और अब इतना अच्छा सा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फाइनली बैग्स हो गई और ये है नहीं है ये, मैं ये कहीं गए हैं अभी तो आएंगे, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगाया है। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 2, तो एक तो मैंने ये चॉपर मंगाया है उनके लिए जो कि है प्रिजन का, तो ये है। और प्राइस मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत दिन पहले ये मुझे रिसीव हो गया, तो मुझे याद आया कि मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने मौसी के लिए ये चॉपर मंगवाया है जैसे उनके जो काम है ना वो भी आसान हो जाए, तो ये मैंने मंगाया है। और ये कुछ ऐसा है जैसा मेरा है ना, सेम मैंने वैसा ही मंगाया है उनके लिए। तो एक ये तो मैंने ये मंगाया है, ठीक है, उनके लिए ये चॉपिंग बोर्ड मंगाया है, ग्रीन कलर का है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे मतलब आप अपनी सब्जियों की चॉपिंग कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे आप वॉश भी कर सकते हो, तो यहाँ से जितना भी पानी है एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा, ये आप देख सकते हो ना। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये मैंने ये मंगाया उनके लिए। कलर बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो ये सोलिमो का है ये, और बहुत ही अफोर्डेबल है। ये दोनों मैंने अमेजोन से मंगाए हैं, तो ये मैंने उनके लिए मंगाया है मौसी के लिए, ठीक है गाइस। और बस अभी तक का यही है, मैं सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो अभी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दम आलू की रेसिपी, तो अभी मैं दम आलू बनाऊंगी डिनर के लिए, और तो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो वो ब्लॉग जब आपने देखना स्टार्ट कर ही दिया है तो एंड तक जरूर देखिएगा, और ब्लॉग अगर आप सभी को पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपने शौरांजलि फूड एंड ब्यूटी पे मेरा दुर्गा पूजा मेकअप लुक देखा है क्या? देखा है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, नहीं देखा है तो जाइए वहां पे देखिए एक बार, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो चलिए गाइस, अब मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत दिन से नहीं बनाए हैं मैंने दम आलू, दिल्ली में बनाए थे तब से नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास छोटे साइज़ के आलू थे, तो मैंने आलू को बॉईल होने के लिए रख दिया था, और आलू को ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, बस मैंने एक ही विसिल लगाई थी। उसके बाद मतलब ये हाफ कुक हुए हैं, उसके बाद मैंने इनको निकाल दिया और पील भी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में ये इसका छिलका निकल रहा है क्योंकि ये पूरी तरह से बॉईल नहीं ना इसलिए। और अगर आपके पास बड़े साइज़ के आलू हैं तो आप बीच में से उनके मतलब 2 पीस कर लीजिए, उसके बाद बॉईल कर लीजिए। तो बस यहाँ पे मेरे पास बहुत छोटे साइज़ के आलू थे, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो आज दम आलू बनाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है और बहुत टेस्टी बनते हैं, और दम आलू के साथ मुझे जीरा राइस खाने का बहुत मन था। तो आज मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप लोग बताना कि आप कैसे बनाते हो, और अगर नहीं बनाते हो तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो सभी का छिलका मैंने निकाल दिया है, फोक की हेल्प से हम इसमें हॉल कर देंगे, इससे क्या होगा जब हम इनको फ्राई करेंगे ना तो मसाले इनके अंदर तक जा सके, इसलिए इस तरीके से मैं फोक की हेल्प से इसमें हॉल कर देती हूँ सभी जगह। उसके बाद गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी, उसमें ऑयल डाल दिया है थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी, और उसके बाद जो हमने आलू तैयार किए ना वो आलू हम इसमें डाल देंगे, और इनको अच्छा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक आपको
फ्राई करना है, चाहे आप डीप फ्राई करें या सेलो फ्राई करें। मैंने सेलो फ्राई किया है, आप देख सकते हैं और कितना अच्छा कलर आ गया। उसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और इसी ऑयल में मैं अब ऐड कर दूंगी मसाला बनाने के लिए प्याज लहसुन हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक और थोड़े से काजू, ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उससे पहले थोड़े से मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी, जैसे तेज़पत्ता हो गया, दो छोटी इलायची हो गई, दो लौंग हो गई, थोड़ी सी काली मिर्च हो गई, एक बड़ी इलायची, इतना कुछ मैंने इसमें ऐड किया था। उसके बाद प्याज ऐड कर देंगे, प्याज हल्का सा भुन जाएगा। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन हरी मिर्ची वगैरह, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने रफली चॉप इसलिए की हैं क्योंकि जब ये बन जाएगा उसके बाद हम इसकी एक प्योरी बना के तैयार करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से आप लोग एक बार बना के देखना गाइस, सच में बहुत टेस्टी बनते हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगी, लास्ट में आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। और ये मैंने टमाटर ऐड कर दिए, मसाला अच्छे सॉफ्ट हो गया था और ठंडा हो गया था, उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। वापस से सेम कढ़ाई रखी, उसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और उसके बाद मैं इसमें ये सारा मसाला ऐड कर दूंगी जो हमने बना के तैयार किया था। और मिक्सर जार को धो करके भी मैं इसमें डाल दूंगी। और इस मसाले को हमें बहुत अच्छे से भूनना है अब, और जब ये अच्छे से भुन जाएगा, धनिया पाउडर सॉरी मैंने अभी ऐड किया है, और जब ये अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद मैं इसमें और चीज़ ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा मैंने रेगुलर लाल मिर्च और ऐड कर दिया, थोड़ा सा तीखा स्पाइसी बना रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कर दिया है। और अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से इसको भूनते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालती गई थी, भूनती गई थी मैं। और अभी मैं इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ, दूध में से निकाल के 2 चम्मच मैंने क्रीम ऐड कर दिया है। आपके पास क्रीम नहीं है तो आप इस जगह पर थोड़ा सा दही ऐड कर दीजिएगा, उससे भी बहुत टेस्टी बनती है सब्ज़ी। इसमें थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच के समथिंग टोमेटो केचप ऐड किया है, उससे कलर अच्छा आ जाता है और थोड़ा सा टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है इसका। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये जो फ्राई किए हुए आलू है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ में इवनिंग का टाइम है तो चाय बन रही है यहाँ पे मेरी, और बस यहाँ पे सब्ज़ी भी मेरी ऑलमोस्ट बन के तैयार ही हो गई है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी मैं इसमें लास्ट में ऐड कर दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, और इसके बाद ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और ये मज़ेदार गर्मा गर्म दम आलू बन के तैयार हो गए हैं। साथ में मैंने बनाए थे जीरा राइस, अनियन कट कर दिया था, और ये इस तरीके की प्लेट तैयार की है मैंने। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे गाइस, एक बार ट्राई करना। आई रियली होप आप सभी को व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं फिर नए व्लॉग में नई रेसिपी के साथ, नए किसी रूटीन के साथ। तकलीफ, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।